सयामी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने व्हाट्सअप नंबर लगा लिया है। सो बेसिकली आज मैं आप लोग बताऊंगा कि व्हाट्सअप विदाउट ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे होता है। मुझे कोई ओटीपी नहीं आएगा, सो मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे ये नंबर आप नोट कर ले, 463, और मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइव चीज़ें मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा कि असल में ये कैसे होता है और आप लोगों ने कैसे करना है। मुझे कोई ओटीपी नहीं आया। अगर आप भी अपने नंबर पे ये सेटिंग करना चाहते हैं कि कल को अगर आप ये नंबर लगाएं और वो विदाउट ओटीपी वेरीफाई हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनशी, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड उर्दू यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज मैं आप लोग बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप को विदाउट ओटीपी जो है वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली आप सभी दोस्तों को बताएं कि जब भी आप व्हाट्सएप में लॉगिन होने की कोशिश करते हैं तो आपको व्हाट्सएप जो है एक ओटीपी सेंड कर लेता है, और जब आप उनको पुट करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट में कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब भी आप अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करेंगे तो आपका ऑटो वेरीफाई होगा। आपसे कोई कोड, कोई ओटीपी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो यहां से लेकर एंड तक पूरी देख लेते हैं तो आप भी ये जान पाएंगे कि असल में व्हाट्सएप जो है विदाउट ओटीपी कैसे वेरीफाई होता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे होता है और आप लोग कैसे करेंगे। सयामी दोस्तों, अब मैं आप लोग बताऊंगा कि असल में व्हाट्सएप में वो कौन सी सेटिंग आप लोगों ने करनी है, क्योंकि व्हाट्सएप अपडेट हुआ है और अगर आप वो सेटिंग व्हाट्सएप में कर लेते हैं तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब भी आप उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे केस में हुआ, मैंने आप लोग को करके दिखाया कि मुझे कोई कोड नहीं आया, तो आपका इजिली जो है विदाउट वेरिफिकेशन कोड जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो इनके लिए आप लोगों ने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद बेसिकली ये आपके अकाउंट के रिलेटेड सेटिंग होती है, तो आप अकाउंट के टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक पास की का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस मोबाइल में एक पास की जो है वो क्रिएट करनी होती है, और जैसे आप पास की क्रिएट कर लेते हैं तो आप इजिली जब भी आप इस डिवाइस में अपना व्हाट्सअप नंबर लगाएंगे तो आपसे ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, जैसे मेरे केस में हुआ। सो मैं जैसे क्रिएट पास की पे क्लिक कर लेता हूँ, सो यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप क्रिएट पास की पे क्लिक कर लेते हैं, मैं दोबारा आप लोग को चेक करा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को मेल शो हो जाएंगे। तो आपका जो मेन मेल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल में जो भी फिंगरप्रिंट या जो भी आपने लगाई होगी, सिक्योरिटी लगाई होगी, आप सिंपल सा उनको वो दे देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इजीली मेरे मोबाइल में एक पास की जो है व्हाट्सअप ने क्रिएट कर लिया है, और बेसिकली ये वही नंबर है। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो मैं अगर बैक पे जाऊँ तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह पास की इसमें लगाना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वही नंबर है जो कि मैंने ऑटो वेरीफाई किया। सो अगर आप भी ऑटो वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप लोग को भी मस्ट ये पास की सेटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, और जैसे आप इनको एनेबल कर लेते हैं आप यहाँ भी देख सकते हैं मैंने इसमें क्रिएट की है, तो आप इजीली इनको विदाउट ओटीपी जो है इस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आपको और मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे यूट्यूब में मिलते रहें। शुक्रिया।